रीवा शहर में चिटफंड कंपनी का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें कंपनी के लोगों ने मिलकर 1000 से अधिक लोगों को करोड़ों का चूना लगाया, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब दर्जन भर डायरेक्टरों पर मामला दर्ज किया। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र चोरहटा पट्टी के पास करीब 42 एकड़ जमीन को लेकर चिटफंड कंपनी द्वारा 5 वर्ष में धन दोगुना करने अथवा हवाई पट्टी क्षेत्र में जमीन दिलाने के लिए 2 से 5 लाख रुपए जमा कर एग्रीमेंट किया गया। वहीं यह फर्जीवाड़ा 2011 से 2013 के बीच हुआ। वहीं साई प्रोडक्शन कंपनी द्वारा एग्रीमेंट के बाद उक्त जमीन अब दूसरों को बेचने का प्रयास किया गया, जिसकी भनक पीड़ितों को लगी। मामला खुलते ही देख सभी डायरेक्टर बोरिया बिस्तर बांध चंपत हो गए। वहीं धन दुगुना के लालच में आए लोगों द्वारा लगातार ऑफिस का चक्कर लगाते रहे। अंततः उक्त पीड़ित कार्रवाई की मांग करने पुलिस कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक ने मामला दर्ज कर धरपकड़ शुरू कर दी। प्रस्तुत रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी की। सर, ये चोरहटा थाने में चिटफंड कंपनी के खिलाफ मामला था, जो क्या पूरा मामला? पूरा मामला करीब 41 एकड़ जमीन का है, और जमीन पे कई स्तर पे जो है धोखाधड़ी की गई है। इसमें करीब जिस व्यक्ति के साथ की गई है उससे 1,20,00,000 की गई है, लेकिन लगभग इसमें जो है 800 से 1200 लोगों के बीच की संख्या एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इतने लोगों से उस जमीन के नाम पे बांड को बांड दिए गए कि एक समय अवधि के बाद या तो बांड के बदले हम आपको पैसा देंगे या जमीन नहीं। ये बहुत बड़ा धोखाधड़ी है। हम सभी लोगों के बीच स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेंगे जो इस मामले में उस जमीन के नाम पे बांड दिया गया है। दूसरी चीज़, हम इसमें ये कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जमीन की संबंधित जानकारी निकाल के हम जो है रजिस्ट्री कार्यालय में पत्र भेजेंगे कि जमीन को इस प्रकरण के निराकरण तक किसी भी पक्ष को बेचा खाया खरीदा न जाए। जो भी निराकरण हो, इस निराकरण का लाभ इन्वेस्टर को मिले, इसके लिए हम पत्राचार भी कर रहे हैं। और इस मामले में जो भी होगा, हम पुलिस उपभोक्ताओं के साथ है, इन्वेस्टर के साथ है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और आरोपियों के हम सिर्फ आरोप के कुछ महत्वपूर्ण, इसमें से कुछ एक आरोपी अलग अलग जेलों में बंद भी हैं, तो निरंतर कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे और हम लोगों को राहत देंगे।